शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन कृष्ण सदै सन्तु निरभया सदै भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो स्त्रे भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। कृष्ण कल्याण कामी मेरी देवियों, मरवाहा जी गीता के पैरोकार में रिश्ता देने सीधे अपने मन को एकाग्र जोड़ दो भगवान की चल रही अत्यंत कल्याणकारिणी एवं बार बार मनन करने योग्य दिव्य वाणी प्रभु जी। इन दिनों मानसिक इतिहास द्वारा विस्तृत रूप से बताए गए युद्धों पर प्रकाश डाले हुए थे। साधना में युद्ध में अभी कल के प्रसंग पर और विस्तार करने की प्रेरणा प्रभु ने दे रहे, इतना ही समझते होंगे कि पर्याप्त हो गया। अब अंतिम युद्ध ले रहे हैं, वैराग का अभाव, वैराग की कमी, वैराग का अभाव, अभाव कैसे कमी को और जरा विचार करें। साधना में वैराग का अभाव मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार ये सबसे पहले लिया जाना चाहिए था। अध्यात्म महापुरुषों की इच्छा लोग मैं फिर एकाग्रता के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा। एकाग्र जाइए और एक घंटे का लाभ उठा लीजिए। आज भी आपको बता दिया था समय बदल गया, थोड़ा सा विचार कर लें। वैराग किसे कहती है भली प्रकार आप जानते होंगे, लेकिन क्योंकि प्रसंग चला है इसलिए प्रकाश डालना कर्तव्य समझता हूं। वैराग का बड़े विस्तार पूर्वक अर्थ हमारे अनुभवियों ने लिया है, अनुभवी के सिवा ऐसा कोई नहीं बता सकता जैसा उन्होंने हमारा उपकार किया। सबसे पहले जो वैराग की भावना धारणा आप बनाए फिरती हैं उसको निकाल दीजिए, वो बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है, अशुद्ध है, गलत है, रिसव है, हानिकारक है। वैराग उसको नहीं कहती, किन्हीं मूर्खों ने ऐसा बता दिया जो भगवान के प्यारे नहीं थे, साधना नहीं करते थे, उनका अपना कोई अनुभव नहीं था, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके इस तरह मुंह से निकालते गए। आम जनता क्या होती है, लाई लग जैसा किसी ने कह दिया। हालांकि इस मार्ग में उनकी माननी चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए जिनकी पहुंच परमात्मा तक हो चुकी है, जिनका अपना ठोस अनुभव है। लेकिन वो जनता की बुद्धि तो है ही नहीं, जैसा जिसने कह दिया उसे धर्मराज की शब्द मान लेती है, गलत। वैराग किसे कहती है और जरा सुनो तो,
बहुत ज्यादा तो पहले बता चुका हूं, आज तो केवल मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल के उसके समझे दुराई करूंगा। वैराग क्या है देखिए, जरा आप कितने खुश हो जाएंगे। यथार्थ दृष्टि को वैराग बोलती है, वास्तविकता को वैराग बोलती है, रियलिटी को वैराग बोलती है, ज्ञानमयी दृष्टि को वैराग बोलती है। ज्ञान चक्षु को वैराग बोलती है, ज्ञान चक्षु को जी सत्य असत्य की पहचान करते हुए जब बुद्धि और मन मान लेती हैं कि सत्य केवल एक परमात्मा है और बाकी सब थोड़ी देर का खेल तमाशा है, इसे वैराग कहती है। उचित अनुचित की पहचान करके उचित की ओर झुक जाने को वैराग कहती है। साधारण शब्दों में संसार के मुख्य कारण भगवान को पूर्ण महत्ता देकर बुद्धि और मन का भगवान की ओर झुक जाना ही वैराग है। बुक में क्या बोल गया, संसार के मुख्य कारण भगवान जी उनको पूरी महत्ता देते हुए, फ्रॉम आवर ओन साइड गिवन फुल इंपॉर्टेंस, नॉट पार्टली बट फुल इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस तो दे दी लेकिन बुद्धि नहीं झुकी, उसको वैराग नहीं कहेंगे। बुद्धि और मन डीटो करते हुए हा में हा मिलाते झुक जाए, इसको वैराग कहते हैं। संसार का खोखलापना प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, इसे वैराग कहते हैं। बाबा खोखलापना क्या है, अनित्यम असुख। संसार के ये खोखलापना दिखाई दे, कुछ नहीं। शायद आप जानते हैं कि नहीं, संसार आपके समाज में मार्केट में दो प्रकार के बांस बिकते हैं, एक अंदर से खोखले होते हैं पोले, एक ठोस होती है लाठी जिसके काम आती है, एक पानी की पाइप की तरह होती है। आप समझ रहे हो, पोले कहते हैं खोले, खोखले पानी के ही पाइप की तरह, लाइक दैट, अंदर से खाली होती है। अच्छा, उन्हीं कई हुक्के की नड़ियां बनती हैं या और काम आती होंगे। एक ठोस होते हैं जो बाबा के हाथ में लाठी है, वो अंदर से सख्त होती है। संसार का खोखलापना नजर आ जाए कि ऊपर से कुछ है अंदर कुछ भी नहीं, इसको वैराग कहते हैं। भगवान जी के ज्ञान को अगर विवेक की सलाई पर लगा के बुद्धि के साथ स्पर्श कर दिया जाए, है भगवान जी के विचार को ज्ञान को अगर बुद्धि के विवेक की सलाई पर, कहने के ढंग देखो जरा महापुरुषों के, विवेक की सलाई पर भगवान के ज्ञान को अगर बुद्धि के साथ छू दिया जाए और जो बुद्धि का प्रतिक्रिया है उसे वैराग कहते हैं। जैसे सुरमा हम डालती हैं सलाई पे, सुरमा लगा के आंखों में उसकी मैल निकालने के लिए, आंखों की चमक बढ़ाने के लिए, खूबसूरती के लिए नहीं होता, आंखों की मैल निकल जाए ताकि बिनाई या रोशनी बनी रहे। तो विवेक के ऊपर हमने भगवान का ज्ञान रखा और वो बुद्धि के साथ हमने स्पर्श किया तो इसकी प्रतिक्रिया वैराग, इसका रिएक्शन क्या होगा, व्हाट वुड बी रिएक्शन, नॉन अटेंशन फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। साधारण शब्दों में मुझसे पूछा जाए तो संसार में दो तत्व प्रभु जी ने, भगवान जी ने, इष्ट देव जी ने, इस संसार के रचयिता ने चावल
और दाल की तरह एक में कर रखी है। जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं, कुछ चावल कुछ दाल, उनमें पानी डाल के उनको उबालते हैं, एक में एक हो जाती है। खासकर अगर मूंग की दली हुई दाल हो, धुली हुई दाल, और वो आप चावलों में डाल दें, जान से देखना पड़ेगा चावल कौन सी है और दाल कौन सी है, दोनों का रंग लगभग एक जैसा होता है। इस तरह भगवान ने दो तत्व आपस में चावल और दाल की तरह खिचड़ी बना रखी संसार के अंदर, जिसे हम जड़ और चेतन कहते हैं। इंग्लिश पढ़े लिखो, मैटर प्लस एनर्जी, मैटर प्लस एनर्जी, इसको भगवान ने कैसे इंटरमिंगल किया है, कैसे इंटरकनेक्ट किया है कि इसका डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है रजोगुनी और तमोगुनी सामान्य या एक साधारण पुरुष के लिए। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं असंभव तो कहूंगा नहीं, इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। रजोगुण वाले के लिए तो असंभव है। आज का 99% नर नारी के लिए असंभव है डिस्टिंग्विश करना बिटवीन जड़ एंड चेतन, बिटवीन चर एंड अचर, बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल, बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल उनके लिए असंभव है। वो पूर्ण रूप इन बार मुखी है और इन प्राणी पदार्थों को सब कुछ समझती है। असलियत क्या है कि भगवान जी ने 84 लाख योनियां जड़ बनाई हैं, या नाम नहीं लेना चाहते तो नाना प्रकार की योनियां जड़ है, इनमें अपनी शक्ति डाल रखी है। जैसे आपके घर के अंदर या भवन में नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट क्या करेंगे अगर करंट ना हो तो? करंट के कारण से पॉइंट अपना फंक्शन सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। मेरे सजनों मेरी देवियों, तो असलियत क्या है? करंट। इसी तरह ये जितनी भी ये रूप नजर आती हैं, दरिंदों के, परिंदों के, चिंदों के, इंसानों के, शैतानों के, देवी देवताओं के और बृहस्पति वर्ग हैं, और भी कितने वर्ग हैं, इनमें शक्ति भगवान की काम कर रही है। और ये क्या है? डिवाइन पॉइंट्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, ये हो गया डिवाइन पॉइंट्स। डिवाइन पॉइंट में करंट भगवान की काम करती है, जिसने भली प्रकार एकांत में बैठ के इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया, दोनों में भेद डाला, उसका मन करंट की ओर, परमात्मा की ओर झुक जाएगा। एकांत में फुर्सत की घड़ियों में बैठकर जब मन बुद्धि बिल्कुल फारग हो, उस समय अगर आप देखें, विचार करें और दोनों में भेद डालें, आपका मन भगवान की ओर झुक जाएगा। क्यों? तीन कारण। जब आप भेद करेंगे तो पहले पता लगेगा ये जड़ चीजें बिल्कुल भगवान के आश्रित है, जैसे जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है बिल्कुल करंट के आश्रित है। करंट ना हो तो कोई भी पॉइंट किसी भी काम का नहीं, नो यूज एट ऑल, नो बेनिफिट एट ऑल, अगर इनमें करंट ना काम करे तो। आजकल बिजली की शॉर्टेज जा रही है तो बिजली के पॉइंट क्या करेंगे, पंखे क्या करें, या बाकी जो घर में फ्रिज है वो बिचारी क्या करे, या आपका टीवी क्या करे, बिकॉज देयर इज नो करंट, तो वो पड़े हुए क्या करेंगे। इस तरह की जो मेरे प्रभु ने नाना प्रकार के रूप बनाए गए, हाँ ये क्या कर सकती हैं, ये तो जड़ है, भगवान ने अपनी शक्ति रख के इनको चलाया। अगर आप एकांत में बैठ के बार बार विचार करें, बार बार सोचें, आपका मन भगवान की ओर झुक जाएगा, इसे वैराग्य कहते हैं। लियाकत या विजडम का नाम भगवान ज्ञान वैराग्य है, ज्ञान का नाम नहीं, विज्ञान का नाम वैराग्य है। ज्ञान तो अनेकों को हो जाता है, जानकारी तो हो जाती है, लेकिन भगवान की ओर सच्चाई मान भी जाएंगे कि अगर सत्य वस्तु इस संसार में है तो केवल भगवान जी है, लेकिन भगवान की ओर झुकते नहीं, केवल वर्बल टॉकिंग यानी मौखिक उनकी बातचीत चलती है,
वर्बल क्रियात्मिक रूप में या प्रैक्टिकल रूप नहीं देते, इसलिए उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग तो एक झुक जाए दोनों में डिस्टिंग्विश करके, असलियत की ओर झुक जाए। इस सारे संसार की असलियत भगवान जी। अच्छा, ये जान जाए। दूसरा, दोनों में डिस्टिंग्विश किया तो एक गुना आ गया, उनमें भगवान की ओर हो गया। दूसरा, ये समझ आएगी कि यही अनंत के घर है और ये सदा रहने वाली। ये तीन पॉइंट जब अंदर आ जाते हैं तो मन में वैराग छा जाता है। यही सब का कारण है, यही सत्य गए और यही आनंद का घर है। अगर एकांत में बैठ के बार बार विचार करेंगे, वैराग क्या कहूंगा, मुझे कहना पड़ता है वैराग प्रभु की देन है, आपका पुरुषार्थ नहीं, किसी गुरुदेव का पुरुषार्थ नहीं, गुरुदेव की देन नहीं, गुरुदेव का वरदान नहीं। इसको बोला गया वैराग भगवान की देन है, भगवान का उपहार है, भगवान का प्रेजेंट है, बेटी भगवान का प्रेम उपहार है, भगवान का तोहफा है अपने प्रेमियों को। भगवान का तोहफा, भगवान का उपहार, वैराग अपने प्रेमियों को भगवान का उपहार। अच्छा, भगवान की देन है। अगर किसी की बुद्धि में कुछ और बात है तो वो आपकी बुद्धि में फतूर है, आपकी बुद्धि में एक गलत करता बात समा गई है, किसी मूर्ख ने ठीक नहीं बात बताई आपको। वैराग विवेक और विज्ञान, ये तीनों भगवान की देन है। ये तीनों भगवान की देन है। आप लोग तो पुरुषार्थ करती हैं, तो जब भगवान देखती है तो खूब लग गए और सच्चाई के पुतले बनते जा रही हैं। मैं देता हूं उनको वो दाने, हो जाती है मुझसे बात। जरा मन में रखिए, वैराग भगवान की देन है। आप कहते वैराग में गुरुदेव से ले लूंगा, वैराग में शास्त्रों से ले लूंगा, वैराग में पुरानी देवी से ले लूंगा, ये आपकी भूल है बेटी। ये आपकी, मैं एरर नहीं कह रहा, मिस्टेक नहीं कह रहा, ब्लंडर कह रहा हूं, ये आपकी भयानक भूल है। तो कोई आपको दे देगा? हमने अपने आप को योग्य बनाना है, डिजर्विंग बनाना है, और परमात्मा हमें डिजर्विंग समझता हुआ अपनी ओर से प्रसाद के रूप में वैराग देती है। विवेक और वैराग प्रसाद के रूप में भगवान से मिलते हैं, महाराज जी प्रदान करते हैं। अगर कोई अधिकारी बन जाए, अच्छा मोटे शब्दों में कहूंगा, संसार में दो चीजें भगवान ने मिलाई, मैंने अभी कहा जड़ और चेतन। जड़ चीजें थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए बनाई गई हैं, उसके बाद भगवान इनमें से अपनी शक्ति निकाल लेते हैं। हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार कहेंगे आत्मा एक तरफ हो जाती है। अच्छा, बस शरीर तो पहले जड़ था, मुर्दा है। इस बात को जान लेना, जी वैरागी बन जाता है, क्योंकि पूर्ण प्रेम भगवान की ओर झुक जाएगा। शरीर का खोखलापना दिखाई देता है कि शरीर अपने आप में कुछ भी नहीं, केवल भगवान जी अपने दिव्य शक्ति से, अपने डिवाइन पावर से चलाए जा रहे हैं। जब भी कभी वक्त मिल गया, करे आप कल्याण कामी है, अगर किसी के कहने पर आप नहीं आई, अगर आप वॉलंटरी तशरीफ लाए गए तो सोचा करो, अगर आप नहीं चाहते खाओ पियो बच्चे मना के मर जाओ, अगर आप कुछ यथार्थ रूप में अपना कल्याण किया चाहते हैं, एज ए गुड मैन, एज ए जेंटलमैन, एज ए नोबल मैन, तो फिर आपको डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए कि भगवान ने बड़े तरीके से सुव्यवस्थित रूप से ये जड़ और चेतन का मिलाप किया है। जड़ अपने आप में कुछ नहीं, बिल्कुल डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट आश्रित है, जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने मां बाप के आश्रित है। छोटे छोटे बच्चे, अबोध बच्चे, इमेच्योर बॉयज एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल मां बाप के आश्रित। इस तरह ये सारे प्राणी पदार्थ, इतनी आपने श्री गीता जी सुनी, भगवान के आश्रित। अपने अंदर चले बुद्धि, बिल्कुल भगवान के आश्रित, मन बिल्कुल भगवान के आश्रित, तन का एक एक अंग आंतरिक और बाह्य भगवान के आश्रित। भगवान मतलब दिव्य शक्ति के आश्रित, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। मैं कह रहा हूं ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, ये पराश्रित है, स्वतंत्र नहीं है।
परतंत्र है। तो आप जैसे विचारवान विचारवती देवियां विदुषी देवियां आश्रित से मन निकाल लेती है, ये तो भगवान के भरोसे हैं, इन सबको तो मैं हमारी प्रभु जी चलाए जा रहे हैं। ऐसा जान लेना मान लेना भगवान से वैराग ले लेना है। वैराग अब डरा न करें, मैंने पहले कहा था वैराग को सांप की फुंकार न समझो, इसे अमृत की धार समझिए। वैराग अमृत की धारे गए ना कि सांप की फुंकारे। बड़ी भूल है अगर आपको सांप की फुंकार, डरते हैं। चूंकि वैराग की मैंने अभी अभी कहा, आपकी कन्विक्शन आपकी धारणा गलत है वैराग के बारे में, आप बिल्कुल ये गलत धारणा बनाए हुए हैं। बेटी अपना अपने रिफॉर्मेशन कीजिए, मेरे कल्याण कामी उपस्थित सज्जनों जरा अपना सुधार कीजिए, अपनी थिंकिंग को राइट कीजिए, अपनी बुद्धि के कन्विक्शन को भी मेक इट राइट। सत असत की पहचान करके सत की ओर झुक जाना वैराग है, बस इससे ज्यादा नहीं बोल सकूंगा। इस संसार में दो चीजें हैं, सत और असत। ये सारी प्रकृति और प्रकृति के प्राणी पदार्थ असत है, क्योंकि थोड़े दिन रह के इन्होंने चला जाना है। ये टिकेंगे नहीं, वैसे अब दादा दादी नहीं है, मां बाप नहीं है, हमारे कई लंगोटिए यार गोविंद गान है, कितना उनके साथ प्यार, उठना बैठना लेना देना, और अब हमारी नजरों से सदा के लिए ओझल है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम भली प्रकार निर्णय कर लेंगे, बस एक भगवान की जाति सत्य है, बाकी सब ये प्राणी पदार्थ जो विजिबल है जो दिखाई दे रही है सब प्रभु के आश्रित है। अगर आपने भली प्रकार मान लिया है, आपके मन का झुकाव भगवान की ओर होगा। बाबा हमें ये कैसे पता लगे, कहिए कि हमारा मन भगवान की ओर झुक गया। उठते बैठते खाते पीते लेते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए अगर चिंतन भगवान का होता है तो आप में वैराग आ गया। सदा मेरा पैगाम, अगर हर समय चिंतन भगवान का है, क्योंकि मन का ये काम है, अगर हमने सच्चाई रूप से किसी भी प्राणी पदार्थ को महत्ता दी होगी तो वो हमारे ख्यालों की दुनिया में आएगा। कभी हमने पढ़ाई को महत्ता दी, बार बार पढ़ाई का चिंतन, कभी हमने नौकरी को महत्ता दी तो बार बार नौकरी लेने का चिंतन, कभी हमने पदवी को चिंता दी, फलानी पदवी लेनी है, फलाना रुतबा मैंने पाना है, तो उसी का बार बार चिंतन, कभी हमने शादी का हुआ तो बार बार किसी पुरुष का नारी का पुरुष का सोते बैठते उठते खाते सपनों में भी जो है सिलेक्शन हो रही है, सपने में भी अखबार में मैट्रिमोनियल देख रहे गए, बार बार वही चिंतन। तो मन का स्वभाव क्या है, जिसको आप महत्ता या इंपॉर्टेंस देंगे वो आपके ख्यालों की दुनिया में बार बार आएगा। तो बड़ा अच्छा नुक्ता बताया गया कि आप महत्ता उसको दो जो आपकी फरमाइश पूरी करे, जो आपको सदा रहने वाला आनंद दे और आपका कल्याण कर सके। तो भगवान जी प्राणी पदार्थों के साथ हमारा व्यवहार है, व्यवहार रहेगा, बस अब आपका मन इधर से झुक जाएगा, इधर से हट जाएगा भगवान की ओर। इसको वैराग कहती है, इसकी ओर इसको उसको वैराग कहती है। स्वामी जी ने कहा का अकल के धनियों, मेरे गुरुदेव फरमाते थे अकल के धनियों, अगर वैराग को बहुत आसानी से समझना है तो एक तराजू लो जी, बहुत शानदार तराजू लो। अच्छा, तराजू को बिल्कुल बराबर दोनों परने बराबर कीजिए ताकि उसकी सुई आपको बीच में नजर आए। ठीक, अब इधर गीता जी रख दीजिए एक साइड पर और एक तरफ आप धन रख दीजिए, आप 100-100 के नोट का बंडल 2-3-4 रख दीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए, हां सिर्फ इतनी बात सोचिए, आपका कल्याण पूर्ण रूप से कल्याण कौन कर सकता है, ये धन लक्ष्मी या लक्ष्मी के मालिक नारायण। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया प्रभु ने, बड़ा अच्छा दृष्टांत। संसार में दो ही सत्ता काम कर रही है, लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए जाते हैं। आप इंपॉर्टेंस किसको दोगे,
जो चरणों में बैठी पलोटती रहती है श्री चरणों को। लक्ष्मी को उत्पन्न किसने किया? भगवान ने। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? प्रकृति, द डिवाइन नेचर। इसकी बैकग्राउंड में कौन है? भगवान। अब आपका पर्दा भगवान की ओर झुका हुआ नजर आएगा, तकड़ी का पर्दा भगवान की ओर, ये वैराग्य है। जब दोनों में डिस्टिंग्विश किया गया, बिटवीन मेमन एंड गॉड, बिटवीन लक्ष्मी एंड नारायण, तो नारायण का पर्दा नीचे आ गया, ये वैराग्य। जब मन इधर भगवान की ओर झुक जाए, इधर से उठ जाए दोनों में डिस्टिंग्विश करते हुए, इसको वैराग्य कहती है। बार बार अपने से पूछिए, मेरा कल्याण लक्ष्मी से होगा या लक्ष्मी पति से होगा? लक्ष्मी पति से। आप रोशन जमीर है, आप बेटे वेरी गुड कॉन्शियस है, आपकी गुड कॉन्शियस बताएगी कल्याण लक्ष्मी से नहीं हो सकता, कल्याण नारायण से होता है। अब फिर मन झुक जाए भगवान की ओर, इसे वैराग्य कहती। अब प्रसंग क्या है? साधना में विघ्न, वैराग्य की कमी। तो ये बात हम समझ लेती हैं, सत्संग में समझ आती हैं, और ये तो गीता जी का सत्संग है, ये तो चोटी के ब्रह्म विद्या फिलॉसफी है, हमारी इंडियन जो है मैथलेस यूनिक फिलॉसफी है, जो हम गीता के माध्यम से समझ रहे हैं, विचार कर रही हैं, गहराई में उतर रही हैं। इसको जब आप सही रूप में समझ लेती हैं और अंतःकरण में बिठा लेती हैं, हां अपने मन में बिठा लेती हैं, जी रोज उठ के ये पाक पक्का कर दिया करो, यही गौर करना के ले चीन, ये आपको संसार बताया 13वें अध्याय में, जन्म मौत पीरी मर्द दर्द दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। संसार में ये वृत्तियां जा रही हैं, जन्म का कितना दुख, मरने का कितना दुख, बीमारियों का कितना दुख, बुढ़ापे का कितना दुख। प्रभु कहते हैं ये संसार में थोक के भाव चारों ओर आपको नजर आ रही है। इस पर विचार कीजिए, क्या कोई शरीर इससे बच सकता है? नहीं, ना जन्म से, ना मरण से, ना बुढ़ापे से, ना बीमारियों से। तो ये तो संसार का रूप है। हां आपका मन सदा ही भगवान की ओर झुका रहेगा अगर संसार का यथार्थ स्वरूप आप सामने रखें। बेटी यथार्थ स्वरूप अगर आप अपने सामने रखें, बस आपका मन प्रभु की ओर झुका हुआ आप ही को नजर आएगा। रजोगुणियों का मन कभी वैरागी नहीं हो सकता, उनमें वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और सबसे ज्यादा बीमारी उनमें राग और द्वेष है। आपने सत्वगुण की बढ़ोतरी है, कल्याण की कामना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए आप में वैराग रह सकता है। वैराग को आप मेंटेन कर लेंगे, पर यह विचार रोज रखिए, यह संसार को सामने रखिए, अनित्यम असुखम, वैराग बना रहेगा, वैराग को मेंटेन करेंगे। वैराग की कमी कब आती है? सुनिए मेरी बात, मूर्खता से, अपनी नलायकी से संसारियों के साथ ज्यादा समय काटना। संसारी आदमी क्या देंगे? कंचन की कामनी की कीर्ति की बातें, गंदी बातें, अशुभ बातें। उनकी दृष्टि में संसार सत्य है, आपकी दृष्टि में भगवान सत्य है। उनकी दृष्टि में यही सब कुछ है जो नजर आता है, आपकी दृष्टि में जो नजर आने वालों के बैकग्राउंड में है, दैट इज द ओनली ट्रुथ एंड नॉट द विजिबल। आप ये जान चुके हैं कि विजिबल पेरिशेबल एंड नॉन विजिबल इम्पेरिशेबल। हाय कितना अंतर है, जो दिखाई देता है दृष्टम नष्टम, कितना अच्छा व्यास जी ने कहा, दृष्टम जो आंखों का विषय है, नष्टम नष्ट हो जाएगा, और जिन आंखों से अगोचर है वो थे हैं और रहेंगे। आपके दृष्टि में भगवान सत्य है, प्रपंचियों की दृष्टि में जहान सत्य है, फिर आप उनके साथ ज्यादा देर बैठते हैं, संसार की चर्चा चलाती है, जिन्होंने राग द्वेष की चर्चा चलानी, वैरागी होकर नहीं कल्याणकामी होकर संसारियों के पास ज्यादा बैठना, फिर गंदी मंदी बातें उनसे सुननी, वैराग में कमी आ जाएगी और ये बड़ी जोर से बाधा बन जाएगी। जिन बातों से आपका मन उबा गए, जिन बातों से घातों से आपका मन टूटा गए,
मन उन्हीं को फिर रिपीट करेगा। मानो कुत्ते की तरह उल्टी, कुत्ता कैसे गंदा जीव है, अपने अंदर से उल्टी निकाल के उसी उल्टी को चट लेता है। ऐसे इंसान को कुत्ते की तरह कहा गया कि अपनी बुद्धि से जिन प्राणी पदार्थों को दुखदाई जाना उन्हीं का फिर चिंतन कर रहा है, उन्हीं में फिर बैठ के वही बार बार बात चलती है। ये बड़ी बाधा बन जाती है बेटे, किसमें आपके साधना में, ये आप कब पूरा करोगे, रोया करो ना कभी कभी भगवान के सामने। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बिन। ये आपके श्रीमुख से निकला हुआ फरमान मेरे पे लागू कब होगा, मैं कब क्वालिफाइड हो जाऊंगी, मैं कब क्वालिफाइड होने वाला हूं मेरे प्रभु, मुझे बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए। देखते रहा करो, वैराग में कमी आई तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। विवेक और वैराग को महापुरुषों ने साधक के दो पर माने गए, ये दृष्टांत कभी ना भूलना। विवेक और वैराग साधक के दो पर हैं, इन्हीं परों के सहारे वो लंबी उड़ारियां भरता हुआ भगवान की जात में तलीन हो जाता। विवेक और वैराग, आप साधक हैं, यू आर जस्ट लाइक ए बर्ड, आहा आपके पर हैं विवेक और वैराग, अगर इन्हीं में कमी आ गई धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, आप पर लंबी उड़ारियां नहीं भर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है क्या, सूरदास के शब्द बोलूं, छोड़ माना हरी विमुखन को संग, जो भगवान की विमुख है संसार की राग द्वेष भरी चर्चा चलाती है, मनवा उनकी चर्चा ना सुना कर ना किया कर, छोड़ माना हरी विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत गए, पड़त भजन में भंग। आप जरा अपनी निगरानी करो ना, किसी भी कीमत पर वैराग में कमी ना आने दो। वैराग तो सच्चाई है, वैराग तो मैंने अभी अभी कहा था विजडम है, वैराग तो ज्ञान चक्षु है। जैसे ये चक्षु रास्ता बताती हैं, हमें समझाती है माँ जी कौन सी है, बहन जी कौन सी है, पत्नी कौन सी है, मेरे भैया कौन सा, यहाँ के बहुत कुछ बताती हैं। ज्ञान चक्षु से पता लगता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। ज्ञान चक्षु से क्या पता लगता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये केवल आपको ज्ञान चक्षु बताती है, चरम चक्षु तो हमें रास्ता बताती है, आपस में चेहरे में डिस्टिंग्विश कराती है, ये थोड़ी मां है, ये तो कोई और है, मेरी मां तो वो बैठी है, ये थोड़ी मेरी बहन है, वो तो वो राउंड फेस वाली है, ये डिस्टिंग्विश करवाती है। तो इस तरह ज्ञान चक्षु डिस्टिंग्विश करवाती है बिटवीन ट्रुथ एंड नॉन ट्रुथ, बिटवीन परमानेंट एंड बिटवीन इम्परमानेंट है, बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ये तो हम सबके लिए अनिवार्य है जी, इट्स इनएविटेबल अनअवॉइडेबल। अगर हम कल्याण करना चाहते हैं तो वैराग हमारे लिए बहुत जरूरी साधना में एक बड़ा जरूरी अंग है, इसके बिना आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे निकलेंगे। शाबाश, विवेकानंद जी ने कहा था सयाना ड्राइवर या सयाना कार मालिक जब कार स्टार्ट करता है तो ये नहीं कि अंदर आया और चाबी घुमाई और चल दिया, बड़ा मूर्ख होगा वो, उसको मूर्ख ड्राइवर कहेंगे या मूर्ख ओनर कहेंगे। जो सयाना होगा वो बोनेट खोलेगा, अगला हिस्सा बोनेट, पानी चेक करेगा, तेल चेक करेगा और विशेषकर अपने पेट्रोल को सुई देखेगा, टैंकी में पेट्रोल बता देती सुई कितना पेट्रोल है, ये सब चेक करके फिर स्टार्ट करेगा, पानी मोबिल ऑयल ऑयल और कितनी टैंकी में है पेट्रोल, और अगर और भी सयाना है तो नीचे होगा उसके पास आला होगा, देख लेगा हवा ठीक है ना, हवा कमी तो नहीं, वो बीच में मारते हैं तो नंबर आ जाता है, इतना पहिए में हवा, अगलों में इतना चाहिए, पिछलों में इतना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करेगा, बड़ी शानदार स्टीयरिंग कर सकेगा वो। हाँ, तो जिसने इस साधना में तरक्की कर जानी है, हाँ तो हर रोज देख लिया करेगा, जैसे अच्छा ड्राइवर देख लेता अपनी कार की ये चीजें, वो रोज देख लेगा अपना विवेक और वैराग्य, इन दोनों की पड़ताल कर लेगा,
कि मुझे सत्य असत की पहचान है ना। विवेक क्या है? सत्य असत की पहचान करना, सत्य असत की पहचान करना, भगवान को सत्य मानना और उनकी सृष्टि को असत मान लेना। भाई इतने से बात बन गई गलत। और साथ ये भी देखें, जब मेरी बुद्धि ने कह दिया ये सत्य है तो मेरे मन का झुकाव सत्य की ओर है ना, तब कोई विघ्न नहीं आ सकता। इतना कहना काफी नहीं कि मैंने जान लिया भगवान ही सत्य है ना। जो पुरुषोत्तम इस तरह आगे कहा, दिले हक नजर से वो माने मुझे। जानने से क्या होता है? आहा, टू नो फ्रॉम योर इंटेलेक्ट, टू बिलीव फ्रॉम योर माइंड। बुद्धि ने तो कर दिया कि हां वाकई सत्य है, पर मन का झुकाव हो गया सत परमात्मा की ओर, बस अब आप में कमी नहीं आ सकती। सत्संग में जाने वाले, ये धर्मस्थानों में जाने वाले भगवान को सत्य तो बोलते हैं, जयकारे भी मारते हैं, लेकिन मन को भगवान की ओर झुकाते नहीं। उनको पर भगवान खुश होने के बजाय नाराज होती हैं और फरमाती है परा गंदा दिल है ये, भगवान उनको मक्कार कहती है। बुद्धि से मानी बैठी है लेकिन व्यवहार में सत्य को नहीं उतारते। ध्यान दो ना, बुद्धि से मान लेना कि भगवान सत्य है लेकिन व्यवहार में नहीं उतारना, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ले आना। आजकल के भगवान के प्यारे कहूं या एक बड़े स्ट्रेंज भगत कहूं, मैं इसी तरह मौखिक ज्ञानी मौखिक भगत है, उनका प्रैक्टिकल लाइफ कुछ नहीं है। अर्थात मुंह से बड़ी लंबी चौड़ी बातें बनाए जाएंगे लेकिन मन का झुकाव भगवान की ओर नहीं होता, उनका मन भगवान की ओर नहीं झुकता, वह इसलिए वो यथार्थ तरक्की उनसे नहीं हो सकती। ओ मेरी कल्याण कामनी देवी और मेरे सज्जनों, इस बात का बड़े विशेष से ध्यान देना है कि हम सबने प्रैक्टिकल रूप में वैराग्य को लाना है। हमें भली प्रकार गीता जी से समझ आ चुकी है, भगवान जी की इष्ट देव की बड़ी कृपा हो गई, लेकिन साथ ये देख रहे मेरे मन को झुकाव है ना भगवान की ओर, मेरा मन प्रभु की ओर झुक गया ना, और भगवान करे इसमें कमी ना आने पाए। संसारियों से कम मिलना, संसार का मन में चिंतन कम होना, हाय संसार की कामनाओं का दिन प्रतिदिन घटते जाना, और भी कम और भी कम और भी कम। फिर सुनिए, संसारियों के संपर्क कम करना, मिनिमाइज एज मच एज यू कैन, संसार का चिंतन ना होना, संसार की कामनाएं दिन प्रतिदिन कम होते जाना, ये वैराग्य की पक्की निशानी, ये आपने देखते रहना है। साधना में विघ्न, वैराग्य की कमी। क्यों वैराग्य की कमी आती है? इसी पर प्रकाश डाला जा रहा है, बहुत निगरानी करनी पड़ेगी। अगर इसी जन्म में कल्याण करना है तो, अगर और जन्म लेनी है तो आपकी मूर्खता, फिर आप ढील, आपका मन ढील लेता रहेगा। सबसे ज्यादा कमी वैराग में तब आ जाती है जब आप रजोगुणियों के साथ मिलते रहते हैं। आपका मन अभी रजोगुनी में रस लेता रहता है, फिर आप मोए, फिर वैराग नहीं बढ़ेगा। वैराग तो बार बार बढ़ता गए, एकांत में बैठा जाए, मनन किया जाए, सत्य असत का बार बार चिंतन किया जाए और ये जान लिया जाए वही मेरे परमात्मा सृष्टि बनाने वाले गए, चलाने वाले गए, और इसको चला के फिर अपनी जात में मिला लेते हैं। मेरे मनवा इस बात को नहीं भूलना कि जो नजर आ रहा है ये चंद दिनों का है, और जो नजर नहीं आता और इसके बैकग्राउंड में इनकी जान प्राण है, इनका ऑपरेटर है, ओए इनका मास्टर है, मास्टर ऑफ द प्रकृति, ऑपरेटर ऑफ द प्रकृति, डायरेक्टर ऑफ द प्रकृति, हाई ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रकृति, वही सत्य जिसकी अंतःकरण में ये बात गहरी उतर गई है कि गॉड इज द ऑपरेटर, गॉड इज द ऑर्गेनाइजर, गॉड इज द ऑपरेटर, गॉड इज द ऑर्गेनाइजर, गॉड इज द डायरेक्टर, इन अदर वर्ड्स गॉड इज ऑल इन ऑल, सो फॉर दिस नेचर इज कंसर्न, परमात्मा ही सर्वे सर्वा है। कितना प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, परमात्मा क्या है? सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल। अब मन की मजाल नहीं कि वैराग को कम करे, जिसने ये जान लिया सनर्जन नहीं कुछ भी, उसका वैराग कम हो ही नहीं सकता, उत्तर उत्तर उसका वैराग बढ़ेगा।
वैराग बढ़ते रहने का अर्थ क्या है? साधना बढ़नी। वैराग बढ़ते रहने का, देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, वैराग बढ़ते जाने का मतलब क्या है? साधना बढ़नी। साधना बढ़ने का मतलब क्या? अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी हो जाने का मतलब क्या है? मन का निर्मल हो जाना। मन का निर्मल होने का अर्थ होता है सूक्ष्म हो जाना। सूक्ष्म हो जाने का मतलब है ख्यालों से उठते जाना, ख्यालों से उठते जाना, अपने मालिक के नजदीक पहुंचते जाना। चूंकि इंसान की सबसे बड़ी बाधा क्या है? संसार के ख्याल, वर्ल्डली थिंकिंग, ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, सबसे बड़ा बैरियर है। हाय, वर्ल्डली थॉट्स, वैराग इसको बिल्कुल ही खत्म कर देता है, घटाता जाता है दिन ब दिन। जो जो वैराग आपका बढ़ता है, इधर साधना बढ़ती है, परमात्मा की ओर आपकी बुद्धि और मन झुकते जाती है। संसार संबंधी चिंतन और भी कम, और भी कम। दूसरों संसार का चिंतन कम होता है, मन निर्मल और सूक्ष्म होता है। क्योंकि संसार का चिंतन होता है काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, वो और मन जो अंदर बैठा होता है वह बाहर आ जाता है, और बाहर आके खराबी मचाता है। बाहर आके मन खराबी मचाता है, होता बड़ा खतरनाक है। मन का बाहर आ जाना बड़ा खतरनाक है। महापुरुषों ने कहा मन का बाहर आ जाना उसी तरह है जैसे सांप का अपनी बिल से सर्पणी को छोड़कर बाहर निकलना और फुंकारे मारता हुआ बाहर आता है। तो आप जानते हैं फुंकारे, महापुरुषों ने कहा महापुरुष जब फुंकारे मार के आता है सांप कुछ बोलता है, भले उसकी बोली समझ ना आए पर महापुरुष ने समझ लिया होगा। तो वो कहते हैं सांप ये बोलता आता है, या मैं नहीं या तू नहीं, या मैं नहीं या तू नहीं, ओ मेरे रब्बा ओए, ओ मेरे रब्बा ओए, ओ समझो मेरे नेक जीवो। सांप बोलता आता है या मैं नहीं या तू नहीं, ओ मेरे ऑब्जेक्ट सामने वाले, या तो तेरी खैर नहीं तो या फिर मैं कुचला जाऊंगा, या तो आप मुझे मार लोगे या मैं तुम्हें काट लूंगा, एक न एक की तो खैर नहीं है। हाय, या मैं नहीं या तू नहीं। मन भी जब बाहर मुखी होता है वैराग को छोड़कर, नलायक, या अगला पुरुष मरेगा इसकी राग भरी बातों से, या ये खुद द्वेष में मरेगा बाहर मुखी होकर। बहुत अच्छा महापुरुषों ने कहा सांप निकलता है तो बोलता हुआ निकलता है, या मैं नहीं या तू नहीं। तो मन जब अंतर्मुखीता जब बाहर आता है तो या ये नहीं, अगर इसी जन्म में अपना कल्याण करना है ना, वैराग में कमी ना आने दो। वैराग उत्तर उत्तर बढ़ते रहना चाहिए। किसका उत्तर उत्तर बढ़ेगा? हमने तो गीता से यही सीखा है और यही अनुभव किया है और करते रहेंगे। जिसको ये बात संसार के यथार्थ स्वरूप की नहीं भूलती, वो कभी भी वैराग को कम नहीं होने देगा। अनित्यम तुझे दुख की दुनिया आई, ये संसार का रियल एस्पेक्ट है, इज द रियल एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड। भगवान जी ने दो शब्दों में गजब ढा दिया, अनित्य है, दुखदाई है। जी, the world is non permanent, so it is sorrow giving. जो चीज नॉन परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है, उससे दुख मिलता है। जो चीज परमानेंट होती है वो आपको सदा शांति, आराम और चैन, इन अदर वर्ड्स पीस ऑफ माइंड दे देती है। कल्याणकामी सज्जनों, गहराई में उतर चलो। इस जन्म में आपको गीता की फिलॉसफी मिली है, गीता का ज्ञान मिला है, ये और विज्ञान के नजदीक जा रही है। वैराग की कमी ना आने दो। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, अगर इसी जन्म में अपना पूरा कल्याण करके जाना है, वैराग को दिन ब दिन बढ़ाओ, दिन ब दिन वैराग को बढ़ाओ, अर्थात संसार के यथार्थ स्वरूप को नहीं भूलना। जैसे आजकल आम चलता है, विजिटिंग कार्ड छपाई फिरते हैं माधे पुत्र, मेरा एड्रेस, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये विजिटिंग कार्ड लोगों को देने हो ना। जैसे कल शर्मा डॉक्टर आए, कल किया परसों की बात है, तो कहीं टेलीफोन लगा होगा इनके घर में, बाबा जी हमारे घर में ये टेलीफोन लगा है, ये विजिटिंग कार्ड लीजिए, नंबर लिखे हुए हैं, क्लिनिक का अलग है, डॉक्टर है वो, और घर का टेलीफोन अलग है, तो विजिटिंग कार्ड मुझे दिए गए, जैसे मैंने उनको बार बार फोन करने है। वाह, पर रिवाज बना हुआ है ना, ये विजिटिंग कार्ड रखिए, अच्छा भाई, सिर आंखों पर जेब में डाल लिया। तो विजिटिंग कार्ड का मतलब, आप भी चंद दिन लगातार अपनी जेब में एक विजिटिंग कार्ड चित बनाकर, या विजिटिंग कार्ड जहां से डब्बी मिलती है वहां से ले लो, और एक उसमें से कार्ड निकालकर
मोटे अक्षरों में लिख लो अनित्यम आसुख, और जब घर से बाहर निकलो जरा पढ़ के जी में रख लो, जब आप व्यवहार कर रहे हो तो भी सामने जरा रख के बात करना। ये मुझे स्वामी रामतीर्थ जी ने बताया था कि अगर वैराग को भड़काए रखना है तो महाराज जी के इन शब्दों को भूलना नहीं, जब हम भूलते हैं तब हमारा मन वैराग को कम करता। घर से निकलो तो ये विजिटिंग कार्ड लेकर, किसी से व्यवहार कर रहे हैं तो भी यही व्यवहार, बाबा उसके सामने हम थोड़ा दिखेंगे गुरुदेव कितना अच्छा कहती है, उसके सामने तो रखना उचित भी नहीं, पखंडी बन जाओगे। ऐसे तो कर सकती हो, बहुत अच्छा तरीका, उससे बातचीत भी कर रही है। हाँ, एक हाथ जेब में उस कार्ड को पकड़ लो तो अंदर कार्ड बोलता रहेगा, इस तरह व्यवहार कर जैसे तुझे शोभा देता है। एक हाथ तो जेब में डाल सकते हो आप, हाँ तो जेब में रख के जरा लगती रहो, इसको याद कर लो। आदमी मरता तब है वैराग तब कम होता है, कब, जब उसकी वैराग की भावना कम होती है। सैनिक कहा करते हैं, मेरे ड्राइवर, चार पांच ड्राइवर है आपके, कहते हैं टायर ट्यूब चाहे इतने बड़े बड़े कीमती है बची हुई, 10,000 का एक टायर हो गया आपके बस का, 10,000 का एक टायर। तो बड़े शर्मा जी जो सबके मुखिया है, वो कहा करती है बाकी ड्राइवर के, अपने ड्राइवर अपने टायर कब खराब होती है, जब इसकी हवा ना चेक की जाए, फिर ये इनकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। अगर आपको साइकिल भी, ये जो भी आपके पास ऑटोमोबाइल है, हवा जरूर चेक करनी चाहिए, नहीं तो फिर उसके ऊपर बोझ पड़ता है। अगर हवा पूरी ना हो तो बोझ फिर टायरों पर पड़ेगा, हवा पूरी हो तो फिर बोझ टायरों पर बहुत कम पड़ता है। इस तरह अगर वैराग कमी होगी हाय, तो फिर साधना पर बोझ नहीं पूरा पड़ेगा, आपकी साधना कम होती जाएगी, आप साधना में उन्नति नहीं, जैसे हवा में कमी तो टायर घिसता जाएगा, वैराग में कमी तो साधना घिसती जाएगी। ध्यान देना मेरे सज्जनों, वैराग में कमी ना आने पाए, संसार को सही रूप में देख लो, संसार का यथार्थ रूप देख लो, यथार्थ रूप, इसका यथार्थ रूप या नित्य मासुकम है। बस यही बार बार हमें बताया गया, बड़ा भारी विघ्न है। आप सब अभ्यास कर रही हैं, सब साधना कर रही हैं, जाप कर रही हैं, भजन कर रही हैं, सत्संग में आ रही हैं, और अपने मन में एक शुभ भावना रखी है कि मैंने कल्याण करना है, कल्याण करना है, तो फिर वैराग को बढ़ने दो, वैराग को और भी बढ़ने दो, आपका वैराग और बढ़ जाना चाहिए। अगर आप संसार के स्वरूप को नहीं भूलेंगे, संसार की यथार्थता को जाने रखेंगे, फिर आपका वैराग नहीं कम हो सकता। इंसान मरता तब है जब संसार हो कुछ अपनी धारणा से कुछ का कुछ समय दिया जाए। अब हम मरेंगे, सृष्टि बनाने वाले के अनुसार क्यों ना संसार को देखा जाए कि ये अनित्यम आसुकम है, ये इनकी आंख के प्राणी पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं, चंद रोजा गए और दुखदाई है, सुखदाई नहीं है। ये बार बार सोचो, बार बार विचार कीजिए, बस भगवान की कृपा से फिर आप ज्यादा संसारियों में मिलेंगे नहीं, संसार का व्यवहार भी कम होगा, संसार का राग द्वेष भी घटता जाएगा, और भी ये जितनी काली वृत्तियां ये कम होती जाएंगी, और मन दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी लोक कल्याण कर जाओ। जिसका मन अंतर्मुखी होता जा रहा है वो धार्मिक मंजिलों को बड़ी जल्दी तय कर रहा है, वो हमारे भगवान के डिस्टेंस को बड़ी जल्दी कवर कर रहा है, बड़ी जल्दी। किसका, जिसका वैराग बढ़ता जा रहा, वैराग का बढ़ने का मतलब मन अंतर्मुखी होना, वैराग के बढ़ने का मतलब मन निर्मल होना, वैराग के बढ़ने का मतलब मन सूक्ष्म होना। और ये जब सारे गुण हो जाती हैं तो आपके क्या बन जाएगी, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। एकाग्रता की बिल्कुल ही साथ है ध्यान अवस्था, कंसंट्रेशन के फौरन बाद आती है मेडिटेशन, और कंसंट्रेशन को मदद क्या देती है, प्योरिफिकेशन है, प्योरिफिकेशन से कंसंट्रेशन, कभी ना भूलना बेटे, पवित्रता से एकाग्रता, एकाग्रता से ध्यान, और ध्यान के आगे बाद भगवान, वही प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, और लास्ट स्टेशन क्या है, रियलाइजेशन। इस मार्ग में तो केवल चार स्टेशन है, पवित्रता,
हाँ, एकाग्रता, ध्यान और मिलन, जीव तलीन हो जाता है, कभी ना भूलना। प्योरिफिकेशन, अच्छा, जब मन बाहर से हटके अंतर्मुखी हुआ तब दिन प्रतिदिन निर्मल होता जाएगा। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, ध्यान अवस्था में तलीन हो जाओगे। आगे भगवान कि मैं तलीनता भगवान जी का अनुभव, फिर मैं कहूंगा ये चार स्टेशन आप कहां खड़े हैं, प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, रियलाइजेशन, पवित्रता, एकाग्रता, ध्यान और दर्शन। आप जरा अपने अंदर गोता मारिए, आप कहां खड़ी हो, इन चार स्टेशनों पे आप कहां हैं। जैसे मैं कहूं अंबाला छावनी, करनाल, पानीपत, दिल्ली, आप कहां हो, अभी तक कहां पहुंची हो, करनाल के पानीपत के अभी अंबाला कैंट में ही परिक्रमा कर रही है, वेयर यू आर, कंसंट्रेशन पर है, प्योरिफिकेशन पर, मेडिटेशन पर। आप अगर गहराई में जाएंगे, मैं एक बात बताऊंगा, अगर आप ये कहते हैं हम यही बैठे स्टैंड स्टिल, तो मैं आपसे सच्चाई से कह रहा हूं काम, फिर आपका आना बंद हो जाता। रोज का आना ये बता रहा है कि मन प्योरिफिकेशन से आपकी कंसंट्रेशन में, जो तरक्की नहीं कर सके उनके लिए भगवान ने कहा है यहां जबर से कहो। इसलिए आप जो जल्दी में बोलते जा रहे हैं ये आपकी गलत फहमी है, जिन्होंने अभ्यास नहीं किया और आगे नहीं बढ़े उनका मन उकता के चला गया, छोड़ गया। जो कुछ पवित्र होकर आगे कंसंट्रेट हुए हैं उनको दिव्य रस मिलने लगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, इसलिए आपका रोज आने का जी चाहता है। न देरी देखती है, न दूरी देखती है, बल्कि हाजर हजूरी देखती है। न देरी न दूरी, हाजर हजूरी। गहराई में उतरना मेरी देवियो, मेरे सदियो, और जरा और नीचे उतरे, बड़े कमाल का विषय गए। साधना में विघ्न, वैराग की कमी, वैराग का अभाव। आप जरा सच्चाई के साथ गंभीरता पूर्वक अपना निरीक्षण कीजिए, क्या सचमुच मेरे में वैराग की कमी है। आप ही देखिए, ये श्लोक आप पे लागू होता है, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू भिन्न, संसार संबंधी पुरानी बातों से मन उब जाए, नई बातों में रस ना आए या ना सम्मिलित हो, इसको भगवान की विशेष कृपा कहेंगे। दूसरे शब्दों में यथार्थ और सथाई वैराग कहेंगे। पुरानी बातों से मन टूट जाए, नई बातों में मन लगे ना, वैराग ना आखा तो की आखा। ध्यान देना, इसको बेटे वैराग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, हमारे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। संसार संबंधी पुरानी बातों से मन टूट गया, नई संसार संबंधी बातों में लगता नहीं, इसी को वैराग कहती है, इसी को अंतर्मुखता कहती है, इसी को साधना कहती है। आहा, यही साधना है, इसके बाद जीव एडवांस होगा। ये मत कहिए हम तो वही है ना, भगवान जी आपको यहां से यूं निकाल लेते जैसे बाल निकालती है दूध में से। आपको दिव्य रस आ रहा है, तो मतलब प्योरिफिकेशन के बाद आपकी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, देन एंड देन इट इज पॉसिबल कि आपका आना में रस हो रहा है, आपको रुचि पैदा होती जा रही है, वरना दिल ना करता, आपका एक एक पैर मन मन पक्का हो जाता, इधर उठता भी ना। जो नहीं अपना सके, रस नहीं ले सके, कंसंट्रेशन के स्टेशन तक, प्योरिफिकेशन से आगे नहीं निकल सके, उनके लिए बड़ा मुश्किल है ना, वो छोड़ जाती है, उनका मन ही नहीं करता। क्योंकि सिद्धांत कितना अच्छा प्रभु ने बनाया है, यहां जबर से काम, इंसान फितरत बदलता नहीं, अगर वो फितरत नहीं बदल अपनी, यहां जबर से काम, जरूर देखना, अपनी निगरानी करना। आज ये विषय मेरे ख्याल से पूरा करा रहे हैं प्रभु, साधना में विघ्न, ये उसका आखिरी विघनता, वैराग में कमी ना आने पाए, ये बढ़ता ही रहे। संसार के यथार्थ स्वरूप को सामने रखोगे तो बढ़ता ही रहेगा।
और संसार का यथार्थ नक्शा, संसार का यथार्थ स्वरूप क्या है? अनित्यम आसुतम, या कि सब प्राणी पदार्थ अनित्य गए इसलिए दुखदाई है। क्यों दुखदाई है? चूंकि अनित्य गए। अनित्य पदार्थों से हम उम्मीदें रख लेती हैं, उम्मीदें वो पूरी कर नहीं सकते, जब तक करते हैं उनमें फिर तब्दीली आ जाती है, हमें गवारा नहीं होती, बस जब आए फिर दुख तकलीफें चिंताएं क्लेश फिर छा जाती है। एकांत में बैठकर बारंबार चिंतन कीजिए, बारंबार गहराई में उतर जाइए, क्या सचमुच मेरे वैराग बढ़ता जा रहा है ना, मेरे वैराग में कमी तो नहीं आ रही। वैराग ही आपकी साधना की गाड़ी को भगाएगा, जैसे कार में पेट्रोल भगाता है गाड़ी को, पेट्रोल ही प्रोपेलिंग पावर पैदा करता है, वैराग ही आपकी गति को तीव्र करता है, आपकी साधना में गति तीव्र हो जाती है जब आपका वैराग बढ़ता है। परमात्मा करे जैसे मेरे प्रभु ने आज विघ्न बताया, ये आपको न स्पर्श करे, साधना में वैराग बढ़े, आपका वैराग घटे नहीं। अगर आपका वैराग बढ़ रहा होगा तो आप में संसार संबंधी विचार कम होते जा रहे होंगे, संसार संबंधी चर्चा दिन ब दिन कम होती जा रही होगी, आपका मन संसार की चर्चा में लगता ही नहीं होगा, ज्यादा आप संसारियों में बैठना ही नहीं चाहते होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा समय एकांत में कटता होगा, ज्यादा समय जाप और भजन में कटता होगा, या मनन में कटता होगा, विचारने में कटता होगा। परमात्मा करे ऐसा ही हो। ये बहुत ही निराला और आला विषय आज संपूर्ण हो रहा है, साधना में विघ्न, ये समझिए उसका आखिरी व्याख्यान था जो मुझसे मालिक ने करवा लिया। अब आपका काम है देखते जाना, कल जैसे प्रभु प्रेरणा देंगे करेंगे, क्या विषय चलाती हैं, पर अब आप अपने आप को देखना, कोई विघ्न तो नहीं ना, तभी तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। आप निर्विघ्न रूप से, कितना प्यारा शब्द है, निर्विघ्न रूप से आप बढ़ते चले जाएं। परमात्मा करे ऐसा ही हो, निर्विघ्न रूप से आप भगवान के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए किसको दिखाई दे? भगवान को दिखाई दे। निर्विघ्न रूप से सत्य के मार्ग पर बढ़ते हुए आप अपने इष्ट देव को दिखाई दे, यही मेरी आंतरिक हार्दिक शुभ इच्छा है। प्रभु जरूर पूरी करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।